खबर भले ही छोटी हो लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देती है। सुशील भैया जैसे ईमानदार इस मतलब दुनिया में है, अगर हर कोई ऐसे बनने की कोशिश करे तो। और ये तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन अगर हमें कोई करोड़ों की चीज भी मिल जाएगी तब भी हम, क्योंकि मैं राम में आस्था रखता हूँ, तो राम राज्य की शुरुआत यहीं से होती है। मुझे तो बहुत दुख हुआ था, बहुत ज्यादा। अच्छा, नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। एक खबर को सामने लेकर हम आए हैं और खबर भले ही छोटी हो लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देती है, खासकर जब हम बात करते हैं उन शहरों की जहां पर आपराधिक घटनाएं हो, चोरी हो, डकैती हो, इस तरह की घटनाएं हम ज़्यादा देखते हैं। पांवटा साहिब में बीते दिनों एक महिला के कान के टॉप्स कहते हैं इन्हें, टॉप्स जो है वो सुशील तोमर जो ठीक मेरे बगल में बैठे हैं उन्हें मिलता है, तो फिर उसके बाद वो तुरंत जो है उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि जिस किसी का भी हो वो दूसरा जो इसके साथ का दूसरा एक है वो लेकर आएं और जो है हम लौटा देंगे। सोने का ये टॉप्स है, और जिसके बाद सोशल मीडिया की ताकत देखिए कि जिस किसी का भी ये जो टॉप्स था ये गिरा था उन तक बात पहुंची और अभी वो टॉप्स लेने के लिए सुशील तोमर जी से मिलने पहुंचे, और साथ में इमराना है, इमराना जिनका ये टॉप्स गिरा था। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि भले ही खबर छोटी हो लेकिन जो है शिक्षा बहुत बड़ी देती है। ईमानदारी का परिचय सुशील तोमर ने दिया, तो सबसे पहले सुशील भाई से ही बात करते हैं। सुशील भाई, आपके हाथ में ये टॉप्स है, क्या जरा भी जब मिला तो लगा नहीं कि जो है आज की तारीख में, जैसे हम देखते हैं अभी आपकी पत्नी भी बता रही थी और आपने भी कहा कि जरा भी मुझे एक बार भी नहीं लगा कि जिसका भी होगा लौटाना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पहाड़ प्राइम का, मीडिया का, और मैं धन्यवाद उन 184 लोगों का करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पोस्ट को शेयर किया। जो ये हमारी बहन इमराना है, नवादा से है, जो आज इन्हें इनका ये टॉपस वापस मिल रहा है, ये जो 184 लोगों ने शेयर किया था ये उनकी ताकत है, मैं माध्यम हूँ। और ये तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर हमें कोई करोड़ों की चीज़ भी मिल जाएगी तब भी हमारा ईमान बिल्कुल भी नहीं डोलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं राम में आस्था रखता हूँ, तो राम राज्य की शुरुआत यहीं से होती है जी। और सुशील भाई, अभी आपने कहा कि जो सोशल मीडिया की ताकत भी कहीं ना कहीं यहाँ से पता चलती है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कई चीज़ें लोग शेयर करते हैं, बेफजूल की चीज़ें शेयर करते हैं, धोखाधड़ी हो जाती है कई बार, लेकिन 185 लोग जो अभी सुशील भाई ने बताया, वाकई में उन लोगों ने जो है अच्छा काम किया सोशल मीडिया पर, जो हम चाहते हैं। इमराना जी, जो है कब आपका ये टॉप्स गिरा था, कहाँ गिरा था? ये पेट्रोल पंप पे गिरा था कल ना। अच्छा, तो अभी मैं जी, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि तुम्हारा टॉप्स ना ऐसे ऐसे मेरे को फेसबुक पे मिला, और फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे नंबर दे दो, उन्होंने नंबर दिया मेरे को, तब मैंने भैया के पास फ़ोन किया। तो जिस दिन गायब हुआ, दुख तो होता है कि गायब हो गया है? मुझे तो बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो वाकई में है, और क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरीके से आज की तारीख में लोग जो है नहीं लौटाते हैं चीज़ें, हो पर्स हो पैसे हो। सुशील भैया जैसे ईमानदार इस मतलब दुनिया में है, अगर हर कोई ऐसे बनने की कोशिश करे तो देश अच्छा होगा दुनिया में ना। बिल्कुल। और तो अभी नवादा के आप रहने वाले हैं? हाँ जी। और फिर अभी आप जो है टॉप्स लेने आए। सुशील भाई, मैं चाहूँगा कि कैमरे के सामने ही आप पहुँचा दें, तो और जो है मैं इस नेक कार्य के लिए अपनी पत्नी को बोलूंगा कि बिल्कुल जो है महिला है, और महिला का दर्द भी समझती है, खासकर सोने की चीजों का, चाहे फिर चैन हो या फिर कुछ भी हो। थैंक यू दीदी, ये आपकी हुआ जी। आप बताइए, आपने अभी कहा कि सबसे पहले सुशील भाई ने आपके पास, हाँ जी भैया, इन्होंने मेरे को दिखाया जब ये दिन में आए ना, तो इन्होंने बोला मेरे को मैं पेट्रोल भराने गया हुआ था, तो मुझे वहाँ पे पेट्रोल पंप पे ये टॉपस मिला है। मैंने कहा रख दो भी, किसी भी पोस्ट डालेंगे। फिर ये जब शाम को आए 7 बजे, कल इन्होंने शाम को पोस्ट डाली, तो फिर मैंने कहा कोई ना कोई तो बोल लेगा कि भाई मेरा गिरा है, मेरा गिरा है। मैंने कहा इनके फेसबुक फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा है, उनका किसी ना किसी से मिल जाएगा। धन्यवाद। और हमारे मित्र संदीप एडवोकेट भी हमारे साथ रहते हैं, और हमें अच्छे दोस्तों की संगति मिली है, तो अच्छे दोस्तों के साथ अच्छा विचार ही मिलेगा। तो मैं अपने दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ सुभाष तोमर रहते थे, उन्होंने भी मुझे पहले ये राय दी कि आप इसको फेसबुक पोस्ट पर शेयर कीजिए।
तो ये खबर थी जो हमने आपको बताई, और बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आज की तारीख में मैंने आपको पहले बताया कि ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है, और जब मिलती है तो भले ही खबर छोटी हो लेकिन संदेश एक बहुत बड़ा जाता है, और जो है कई लोगों के लिए हो सकता है कि जितने कितने का था इमराना जी ये 16,500 रुपये का था। और मैं सबसे विनती करती हूँ कि सब ना सुशील भैया जैसे ईमानदार बन जाए बस। बिल्कुल, और तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोग भी इसी तरीके से जो है ईमानदारी का परिचय दें, और कहीं पर भी आपको इस तरीके की कोई खबर दिखती है मिलती है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हम ऐसी खबरों को ही मंच देते हैं जो देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।